आज की इस वीडियो में हम लोग एरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर का एक्सरसाइज 5.1 से क्वेश्चन नंबर 4 का इन 15 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैं इसी एक्सरसाइज का पार्ट 1 अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 को नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे आप लोगों को पार्ट 1 का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप पहले तो पार्ट 1 को देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखें, ताकि इस वीडियो में जो क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप लोगों को आराम से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन नंबर 4 के अंडर में यहाँ पर 15 क्वेश्चंस दे रखा है, तो एक एक करके हम लोग इन 15 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर पीस, मतलब ये जो नंबर सीरीज दे रखा है, इन नंबर सीरीज में कौन सा नंबर सीरीज हम लोगों को एपी है बताना है। उसके बाद बोल रहा है, देखिए, इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर एपी फॉर्म करता है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो उस केस में हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, एंड राइट थ्री मोर टर्म्स, और नेक्स्ट थ्री मोर टर्म्स हमें यहां पर निकालना है। तो चलिए यहाँ पर सोल्यूशन शुरू करते हैं। नंबर वन का सोल्यूशन शुरू करते हैं। नंबर वन में हमें दे रखा है, देखिए, 2, 4, 8, 16, ... यहाँ पर हम लोगों को एक सीरीज दे रखा है। तो ये सीरीज एपी है या नहीं हम लोगों को पहले तो चेक करना है। सो एपी है या नहीं, दैट मींस यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कैलकुलेट करेंगे। सो सेकंड टर्म कितना दे रखा है, देखिए, 4, माइनस फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है, 2, सो 4 माइनस 2 तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, थर्ड टर्म कितना है, देखिए, 8, माइनस सेकंड टर्म कितना है, 4, सो 8 माइनस 4 करेंगे तो यहां पर 4 आ गया। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर एपी सीरीज, ये सीरीज एपी होने के लिए यहां पर ये जो डिफरेंस हम लोगों ने किया, ये डिफरेंस इक्वल होना चाहिए, पर यहां पर तो इक्वल नहीं है, दैट मींस ये सीरीज क्या है, ये सीरीज एपी नहीं है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे, सिंस ए टू माइनस ए वन इज नॉट इक्वल टू ए थ्री माइनस ए टू, देयरफोर द गिवन, therefore the given number series, therefore the given number series is not an AP। यहां पर देखिए, अगर AP फॉर्म होता तब जाके हम लोग यहां पर कॉमन डिफरेंस निकालते, तो यहां पर तो AP नहीं फॉर्म हुआ, तो यहां पर कॉमन डिफरेंस और एक्स्ट्रा काम करने के लिए हम लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये यहां पर रोमन वन का सोल्यूशन हो गया, और मेरे ख्याल से इसका सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए यहां पर रोमन टू का सोल्यूशन शुरू करते हैं। रोमन टू में हमें दे रखा है, देखिए, 2, 5/2, 3, 7/2 करके ये नंबर सीरीज दे रखा है। तो पहले हम लोग यहां पर क्या करेंगे, ए टू माइनस ए वन कैलकुलेट करेंगे। तो ए टू माइनस ए वन मतलब यहां पर ए टू मतलब कितना है, देखिए, 5/2, सो 5/2 माइनस ए वन कितना है, 2, सो 5/2 माइनस 2। अब यहां पर एलसीएम लेंगे तो यहां पर 2 एलसीएम हो जाएगा। सो यहां पर देखिए कितना हो जाएगा, 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1, 5 × 1 करेंगे तो 5, माइनस यहां पर क्रॉस करेंगे तो 2 × 2 = 4। तो यहां पर कितना आ जाएगा, 5 − 4 करेंगे 1 डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट यहां पर हम लोग ए थ्री माइनस ए टू करेंगे, सो ए थ्री माइनस ए टू तो ए थ्री कितना है, देखिए, 3, माइनस ए टू कितना है, 5/2, सो 5/2 इज इक्वल टू, यहां पर एलसीएम लेंगे तो 2 एलसीएम आ जाएगा। तो यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 3 = 6, माइनस यहां पर 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1 × 5, तो यहां पर 5 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 6 − 5 = 1 डिवाइडेड बाई 2, तो यहां पर भी हाफ आया है। और नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेट करके देख लेते हैं, a4 − a3, अगर ये भी हाफ आ गया, दैट मींस ये नंबर सीरीज क्या हो जाएगा, ये नंबर सीरीज आपका एपी हो जाएगा। सो a4 − a3, दैट मींस a4 कितना है, देखिए, 7/2 माइनस a3 कितना है, a3 है हमारा 3 इज इक्वल टू, यहां पर देखिए एलसीएम हो जाएगा 2, नेक्स्ट यहां पर 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1 × 7, तो 7 हो गया, माइनस गुना करेंगे तो 3 × 2 = 6, 7 − 6 = 1, 1 डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए यहां पर ये भी हाफ आया, दैट मींस ये नंबर सीरीज जो है, ये नंबर सीरीज हम लोगों को एपी हो गया। सो यहां पर हम लोग लिखेंगे ... देखिए यहां पर हम लोग लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, दैट इज ak + 1 − ak = same every time, therefore the given number series
इज एन एपी। तो ये एपी हो गया। अभी हम लोग यहाँ पर क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस, ये जो डिफरेंस है ये इक्वल आ रहा है, दैट मींस ये क्या हो गया, ये हम लोगों का कॉमन डिफरेंस हो गया। तो यहाँ पर रोमन टू का कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, रोमन टू का यहाँ पर कॉमन डिफरेंस हो गया आपका हाफ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफोर कॉमन डिफरेंस कौन सा सिंबल से डिनोट किया जाता है, डी से डिनोट किया जाता है। तो कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू क्या हो गया, डी इक्वल टू हाफ हो गया। और भी क्या निकालना है, और हम लोगों को यहाँ पर थ्री मोर टर्म्स निकालना है। तो यहाँ पर कितना टर्म दे रखा है, देखिए 1, 2, 3, 4, दैट मींस हमें फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म और सेवेंथ टर्म हमें यहाँ पर निकालना है। तो फिफ्थ टर्म देखिए, फिफ्थ टर्म ए फाइव से डिनोट किया जाता है। और फिफ्थ टर्म मतलब क्या होगा, ए प्लस फोर डी। ये कैसे हुआ, इसको समझने के लिए आप लोगों को पार्ट वन देखना पड़ेगा। सो फिफ्थ टर्म ए फाइव से डिनोट किया जाता है और फिफ्थ टर्म ए फाइव क्या होगा, ए प्लस फोर डी। यहां पर कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू पुट करेंगे। ए मतलब क्या है, ए मतलब फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या है, देखिए 2, तो 2 प्लस 4 इंटू डी, डी मतलब कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस कितना मिला है हाफ, सो 4 इंटू हाफ, दिस इज इक्वल टू 2 प्लस, यहां पर देखिए कैंसिल करेंगे तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 1 2, तो फाइनली देखिए 2 प्लस 2 4, तो यहां पर फिफ्थ टर्म हम लोगों को मिल गया 4। अभी हम लोग यहां पर सिक्स्थ टर्म कैलकुलेट करेंगे। तो सिक्स्थ टर्म इज डिनोटेड बाय a6, a6 कैन बी रिटन एज a प्लस 5d, a का वैल्यू कितना है 2 प्लस 5 इंटू डी का वैल्यू कितना है हाफ। तो यहां पर देखिए एलसीएम लेंगे तो 2 एलसीएम हो जाएगा, 2 इंटू 2 करेंगे तो 4, नेक्स्ट यहां पर 2 से डिवाइड करेंगे 1 इंटू 5, तो यहां पर 5 हो गया। नेक्स्ट यहां पर क्या जाएगा, 5 प्लस 4 9 डिवाइडेड बाई 2, तो यहां पर सिक्स्थ टर्म हम लोगों को मिल गया 9/2। नेक्स्ट अभी हम लोग यहां पर सेवेंथ टर्म कैलकुलेट करेंगे। तो मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं उधर कभी कर रहा हूं। तो आप यहां पर कॉपी में जो नोट डाउन करेंगे तो एग्जैक्टली आप नीचे में ही यहां पर नोट डाउन करेंगे। तो यहां पर सेवेंथ टर्म इज डिनोटेड बाई a7, और a7 क्या होगा, a प्लस 6d। a कितना है, देखिए a यहां पर है 2 प्लस 6 इंटू डी कितना है हाफ, तो यहां पर कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3। नेक्स्ट देखिए 2 प्लस 3 इंटू 1 3, तो यहां पर 3 प्लस 2 करेंगे 5, तो यहां पर सेवेंथ टर्म हम लोगों के पास मिल गया 5। तो यहां पर ये हो गया आपका रोमन टू का कंप्लीट सॉल्यूशन, और मेरे ख्याल से इसका सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए यहां पर रोमन थ्री का सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमारे चैनल को फॉलो करेंगे तो यहां पर कोई भी एक्स्ट्रा ट्यूशन लेने की आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए यहां पर रोमन थ्री का सॉल्यूशन शुरू करते हैं। आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। यहां पर रोमन थ्री में हमें दे रखा है, देखिए मैं यहां पर पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं। रोमन थ्री में हमें दे रखा है, देखिए -1.2, -3.2, -5.2, -7.2... ये हमारे पास नंबर सीरीज दे रखा है। हम लोगों को पहले ये चेक करना है ये एपी होगा या नहीं। चलिए यहां पर हम लोग क्या करेंगे, पहले a2 - a1 चेक करेंगे। तो a2 - a1 दैट मीन्स a2 कितना है -3.2, सो -3.2 -a1 कितना है, देखिए a1 है हमारे पास -1.2, सो -1.2, दिस इज इक्वल टू -3.2। यहां पर देखिए माइनस माइनस मिलकर यहां पर हो जाएगा आपका प्लस 1.2। अब -3.2 प्लस 1.2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -2.0। नेक्स्ट अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग a3 - a2 कैलकुलेट करेंगे। तो a3 मतलब कितना है, देखिए a3 मतलब यहां पर -5.2 - a2 कितना है, देखिए -3.2, सो -3.2 इज इक्वल टू -5.2। तो यहां पर देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया तो 3.2, सो नेक्स्ट यहां पर -5.2 + 3.2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -2.0। तो अभी तक तो सही मान रहा है। हम लोग यहां पर नेक्स्ट a4 - a3 कैलकुलेट करेंगे, और ये भी अगर -2.0 आ गया तो यहां पर हम लोग बोल देंगे ये नंबर सीरीज क्या है, एपी हो गया। तो यहां पर हम लोग बोलेंगे a4 - a3 कैलकुलेट करेंगे। तो a4 कितना है, देखिए a4 हमारे पास यहां पर है -7.2, -a3 कितना है, a3 यहां पर है हमारे पास -5.2, दिस इज इक्वल टू -7.2 -+5.2, तो ये हो जाएगा आपका -2.0। तो यहां पर देखिए सेम आ रहा है, दैट मींस यहां पर हम लोग डॉट डॉट देके यहां पर लिख लेंगे
दैट इज क्या लिखेंगे, दैट इज एक प्लस वन माइनस एक इज सेम एवरी टाइम, इज सेम एवरी टाइम, देयरफोर द गिवन नंबर्स आर इन एपी। तो यहां पर पहले तो हम लोग यहां पर कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, तो देयरफोर कॉमन डिफरेंस, सो कॉमन डिफरेंस इज डिनोटेड बाय डी, और डी का वैल्यू कितना आया यहां पर, कॉमन डिफरेंस कितना आया माइनस 2.0, तो यहां पर हो जाएगा आपका माइनस 2.0। और क्या निकलना है, और अगर एपी फॉर्म हो तो यहां पर हम लोगों को नेक्स्ट थ्री टर्म्स निकलना है, और क्योंकि ये नंबर्स एपी फॉर्म कर रहा है तो यहां पर हम लोगों को नेक्स्ट थ्री टर्म्स, मतलब देखिए 1 2 3 4 फोर्थ टर्म तो दे रखा है हमें, यहां पर फिफ्थ टर्म सिक्स टर्म एंड सेवेंथ टर्म निकालना है। सो पहले हम लोग यहां पर फिफ्थ टर्म निकालते हैं, फिफ्थ टर्म सो फिफ्थ टर्म इज डिनोटेड बाय A5, और A5 कैन बी रिटन एज ए प्लस 4D। अभी यहां पर हम लोग करस्पॉन्डिंग वैल्यू को पुट करेंगे, तो यहां पर देखिए A मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म कितना है देखिए -1.2, तो यहां पर हम लोग पुट करेंगे -1.2 प्लस 4 इंटू डी, डी कितना है देखिए डी हम लोगों को मिला है -2.0, तो यहां पर हम लोग पुट करेंगे -2.0, दिस इज इक्वल टू -1.2। यहां पर देखिए प्लस और माइनस मिलकर यहां पर माइनस हो जाएगा, 4 × 2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8, नेक्स्ट -1.2 -8 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -9.2। नेक्स्ट सिक्स्थ टर्म सो सिक्स्थ टर्म इज डिनोटेड बाय A6, और A6 कैन बी रिटन एज A प्लस 5D, करस्पॉन्डिंग वैल्यू पुट करेंगे A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू दे रखा है -1.2 प्लस 5 × D का वैल्यू कितना है -2.0, तो यहां पर देखिए -1.2 प्लस और माइनस मिलकर यहां पर माइनस हो जाएगा, 5 × 2 करेंगे 10, नेक्स्ट यहां पर देखिए -1.2 -10 सो -1.2 -10 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -11.2, तो सिक्स्थ टर्म मिल गया यहां पर -11.2। अभी यहां पर हम लोग सेवेंथ टर्म कैलकुलेट करेंगे, सो सेवेंथ टर्म इज डिनोटेड बाई A7, और A7 क्या होता है, A7 होता है आपका A+6D, A मतलब यहां पर कितना है -1.2 प्लस 6 × D कितना है, D यहां पर है -2.0, तो यहां पर फाइनली मल्टीप्लाई करेंगे -1.2 प्लस और माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा, 2 × 6 करेंगे तो 12, सो यहां पर -1.2 -12 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -13.2, तो यहां पर हम लोगों ने 5th टर्म 6th टर्म और 7th टर्म भी निकाल दिया, और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोगों को यहाँ पर समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिए, अभी यहाँ पर हम लोग रोमन 4 को सॉल्व करेंगे, तो चलिए रोमन 4 का सोल्यूशन शुरू करते हैं। रोमन 4 में यहाँ पर हम लोगों को दे रखा है देखिए, रोमन 4 में दे रखा है देखिए -10 -6 -2 (2). ये हम लोगों को रोमन 4 में ये नंबर सीरीज दे रखा है, हम लोगों को ये चेक करना है ये नंबर सीरीज एपी है या नहीं। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, A2 - A1 पहले निकालेंगे, तो A2 - A1 कितना है देखिए -6 - A1 कितना है देखिए -10, नेक्स्ट यहां पर देखिए -6 - -+10, 10 - 6 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4, नेक्स्ट A3 - A2 करेंगे, और A3 कितना है देखिए A3 है हमारे पास -2 - A2, A2 कितना है देखिए -6, तो -6, दिस इज इक्वल टू -2 - -+6, और 6 - 2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4, नेक्स्ट यहां पर देखिए अभी तक तो सेम आ रहा है, नेक्स्ट हम लोग यहां पर कैलकुलेट करेंगे A4 - A3, A4 कितना है देखिए 2 - A3 कितना है देखिए -2, तो यहां पर देखिए नेक्स्ट 2 - -+2, तो 2 + 2 यहां पर 4, तो यहां पर सेम आ रहा है, दैट मींस ये नंबर सीरीज क्या होगा, ये नंबर सीरीज आपका एपी हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग डॉट 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 देखे यहां पर लिखेंगे दैट इज A+1 - A इज सेम एवरी टाइम, इज सेम एवरी टाइम, देयरफोर द गिवन नंबर सीरीज इज एन एपी, देयरफोर कॉमन डिफरेंस इज डिनोटेड बाई डी, और डी का वैल्यू कितना आया 4,
अभी हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट थ्री टर्म्स निकालेंगे. नेक्स्ट थ्री टर्म्स मतलब यहाँ पर हम लोग को फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म और सेवेंथ टर्म निकालना है. सो फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म. सो फिफ्थ टर्म इज डिनोटेड बाई ए फाइव, और ए फाइव मतलब ए प्लस फोर डी. यहां पर अभी हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू पुट करेंगे. ए, ए का वैल्यू कितना है देखिए, माइनस टेन प्लस फोर इंटू डी का वैल्यू कितना है फोर. सो यहां पर देखिए माइनस टेन प्लस फोर प्लस फोर इंटू फोर सिक्सटीन, और सिक्सटीन माइनस टेन करेंगे तो यह आ जाएगा आपका सिक्स. नेक्स्ट सिक्स्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म. सो सिक्स्थ टर्म इज डिनोटेड बाय ए सिक्स, और ए सिक्स कैन बी रिटन एज ए प्लस फाइव डी. दिस इज इक्वल टू ए, ए का वैल्यू कितना है माइनस टेन प्लस फाइव इंटू डी का वैल्यू कितना है फोर. सो यहां पर माइनस टेन प्लस ट्वेंटी, और ट्वेंटी माइनस टेन करेंगे तो यह आ जाएगा आपका टेन. सो नेक्स्ट सेवेंथ टर्म, सेवेंथ टर्म. तो सेवेंथ टर्म इज डिनोटेड बाई ए सेवन, और ए सेवन कैन बी रिटन एज ए प्लस सिक्स डी. ए का वैल्यू दे रखा है माइनस टेन प्लस सिक्स इंटू डी का वैल्यू फोर. नेक्स्ट माइनस टेन प्लस ट्वेंटी फोर, और ट्वेंटी फोर माइनस टेन करेंगे तो ये आ जाएगा फोर्टीन. और यहां पर क्वेश्चन नंबर फोर का सोल्यूशन कंप्लीट हो गया, और मेरे ख्याल से इसका सोल्यूशन भी आप लोगों को समझ में आया होगा. चलिए यहां पर वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिए. अभी यहां पर हम लोग रोमन फाइव का सोल्यूशन करते हैं. थोड़ा सा हाई लेवल प्रॉब्लम है रोमन फाइव. सो रोमन फाइव में यहां पर हम लोगों को दे रखा है देखिए, रोमन फाइव में दे रखा है देखिए थ्री कोमा थ्री प्लस रूट टू कोमा थ्री प्लस टू रूट टू कोमा थ्री प्लस थ्री रूट टू कोमा डॉट डॉट डॉट. यहां पर हम लोगों को ये रोमन फाइव में ए सीरीज दे रखा है. हम लोगों को ये चेक करना है ये सीरीज एपी है या नहीं. तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ए टू माइनस ए वन करेंगे, और ए टू कितना है देखिए, ए टू ये होगा ए टू, ए टू कितना है थ्री प्लस रूट टू माइनस ए वन, ए वन कितना है थ्री, सो माइनस थ्री. अब देखिए फ्रेंड्स यहां पर थ्री थ्री कैंसिल हो गया, तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हो जाएगा आपका रूट टू. नेक्स्ट यहां पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे ए थ्री माइनस ए टू, ए थ्री कितना है देखिए, ए थ्री है आपका थ्री प्लस टू रूट टू माइनस ए टू, ए टू कितना है, ए टू है आपका थ्री प्लस रूट टू. दिस इज इक्वल टू थ्री प्लस टू रूट टू, देन यहां पर ब्रैकेट उठाएंगे तो इक्वल हो जाएगा माइनस थ्री, माइनस प्लस मिलकर माइनस माइनस रूट टू. नेक्स्ट देखिए यहां पर थ्री थ्री कैंसिल हो जाएगा, नेक्स्ट टू रूट टू माइनस रूट टू, तो टू रूट टू माइनस रूट टू करेंगे तो ये आ जाएगा आपका रूट टू. तो अभी तक तो सही मार आया है. हम लोग यहां पर कैलकुलेट करेंगे ए फोर माइनस ए थ्री, ए फोर, ए फोर हो जाएगा आपका थ्री प्लस थ्री रूट टू, देन माइनस ए थ्री, ए थ्री हो जाएगा आपका थ्री प्लस टू रूट टू. तो यहां पर ब्रैकेट उठा देंगे तो यह हो जाएगा आपका थ्री प्लस थ्री रूट टू माइनस थ्री माइनस टू रूट टू. तो यहां पर देखिए थ्री थ्री कैंसिल हो गया, थ्री रूट टू माइनस टू रूट टू करेंगे तो ये हो जाएगा आपका रूट टू. तो यहां पर सेम आ रहा है, दैट मीन्स ये नंबर्स क्या हो जाएगा, ये नंबर्स आपका एपी हो जाएगा. सो डॉट 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 देके हम लोग लिखेंगे दैट इज, दैट इज ए के प्लस वन माइनस ए के इज सेम every time, is same every time, therefore, therefore the given numbers are in AP. So AP form हो रहा है, तो यहां पर हम लोग पहले तो common difference लिखेंगे, तो therefore, therefore common difference, कॉमन डिफरेंस इज डिनोटेड बाई डी, और डी कितना मिला है, डी हम लोगों को यहां पर रूट टू मिला है, तो यहां पर हम लोगों ने रूट टू लिख लिया. अभी हम लोगों को यहां पर नेक्स्ट थ्री टर्म्स भी निकालना है, और नेक्स्ट थ्री टर्म्स मतलब फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म और सेवेंथ टर्म निकालना है. तो फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म इज डिनोटेड बाई ए फाइव, और ए फाइव कैन बी रिटन एज ए प्लस फोर डी. दिस इज इक्वल टू ए कितना है देखिए, ए हमारे पास थ्री है, सो थ्री प्लस फोर इंटू डी कितना है फोर इंटू रूट टू. तो यहां पर हो गया हमारे लोगों को, यहां पर मिल गया फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म कितना मिला है थ्री प्लस फोर रूट टू. नेक्स्ट सिक्स्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, तो सिक्स्थ टर्म इज डिवाइडेड बाय ए सिक्स, और ए सिक्स कैन बी रिटन एज ए प्लस फाइव डी. ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू थ्री प्लस फाइव इंटू डी का वैल्यू कितना है रूट टू. तो यहां पर हो गया आपका सिक्स्थ टर्म थ्री प्लस फाइव रूट टू. नेक्स्ट सेवेंथ टर्म,
सेवेंथ टर्म इज डिनोटेड बाय ए सेवन और ए सेवन कैन बी रिटन एज ए प्लस सिक्स डी, ए प्लस सिक्स डी, ए का वैल्यू कितना है 3 प्लस 6 इंटू डी का वैल्यू कितना है रूट टू, तो ये हो गया आपका सेवेंथ टर्म 3 प्लस 6 रूट टू, तो ये हो गया आपका रोमन 5 का कंप्लीट सॉल्यूशन और मेरे ख्याल से इसका सॉल्यूशन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए यहाँ पर हम लोग अभी रोमन 6 को सॉल्व करते हैं। रोमन 6 में यहाँ पर हम लोगों को दे रखा है, देखिए 0.2, 0.22, 0.32, 0.442, डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ पर हम लोगों को एक सीरीज दे रखा है। इस सीरीज को हम लोगों को पता नहीं ये सीरीज एपी होगा या नहीं। सो यहाँ पर रोमन 6, सो 0.2, 0.22, 0.222, 0.222, ये सीरीज दे रखा है। तो पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पहले हम लोग यहाँ पर a2 माइनस a1 करेंगे, तो a2 माइनस a1 मतलब 0.22 माइनस 0.2, और 0.22 माइनस 0.2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.02। नेक्स्ट देखिए a3 माइनस a2, a3 मतलब कितना है 0.222 माइनस a2 कितना है देखिए 0.22, तो ये जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.002। तो देखिए यहां पर सेम नहीं आ रहा है, दैट मींस ये नंबर सीरीज क्या हो जाएगा, ये नंबर सीरीज एपी नहीं होगा। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे सिंस a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2, देयरफॉर द गिवन नंबर्स आर नॉट इन एपी, तो ये हो गया आपका रोमन 6 का कंप्लीट सॉल्यूशन। अभी यहां पर हम लोग रोमन 7 का सॉल्यूशन करते हैं। रोमन 7 में हम लोगों को यहां पर दे रखा है देखिए 0, -4, -8, -12, ... तो यहां पहले तो हम लोग यहां पर चेक करेंगे a2 - a1, a2 कितना है देखिए a2 है हम लोगों को यहां पर दे रखा है -4, -a1 मतलब 0, सो -4, -0, तो ये हो जाएगा आपका -4। नेक्स्ट a3 - a2, a3 कितना है -8, -a2 कितना है -4, सो -4, ब्रैकेट देखिए हम लोगों को लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट -8, -, +4 और -8, +4 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -4, तो अभी तक तो सही मारा है। नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे a4 - a3, a4 कितना है देखिए a4 यहां पर -12 है, सो -12 -a3 कितना है देखिए -8, तो यहां पर देखिए -12, -+8 और -12, +8 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -4, तो यहां पर देखिए सही मारा है। तो यहां पर हम लोग डॉट डॉट दे के लिख लेंगे, क्या लिखेंगे दैट इज a+1 - ak इज सेम एवरी टाइम, therefore the given numbers are in AP। अभी हम लोगों को क्योंकि ये AP हो रहा है तो हम लोग कॉमन डिफरेंस लिखेंगे, सो therefore common difference इज denoted by D और D का वैल्यू कितना मिला है -4। नेक्स्ट हम लोगों को यहां पर फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म और सेवेंथ टर्म भी निकालना है, तो फिफ्थ टर्म इज डिनोटेड बाय a5 और a5 क्या हो जाएगा a+4d, दिस इज इक्वल टू a का वैल्यू कितना है 0 + 4 इंटू डी का वैल्यू कितना है -4, सो यहां पर देखिए गुना करेंगे तो 4 - -4 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -16। नेक्स्ट यहां पर हम लोग सिक्स्थ टर्म निकालेंगे, सिक्स्थ टर्म इज डिनोटेड बाय a6 और a6 कैन बी रिटन एज a+5d, दिस इज इक्वल टू a का वैल्यू कितना है 0 + 5 इंटू डी का वैल्यू कितना है -4, तो 5 - -4 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -20। नेक्स्ट सेवेंथ टर्म इज डिनोटेड बाय a7 और a7 कैन बी रिटन एज a+6d, a का वैल्यू दे रखा है 0 + 6 इंटू डी का वैल्यू दे रखा है -4 और 6 - -4 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -24। तो यहां पर ये हो गया आपका रोमन 7 का कंप्लीट सॉल्यूशन। अभी यहां पर हम लोग रोमन 8 का सॉल्यूशन करते हैं, तो यहां पर वीडियो को पॉज करके आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट यहां पर हम लोग रोमन 8 का सॉल्यूशन करते हैं। चलिए यहां पर रोमन 8 का सॉल्यूशन शुरू करते हैं।
रोमन एट में हम लोगों को दे रखा है, देखिए माइनस हाफ कॉमा माइनस हाफ कॉमा माइनस हाफ कॉमा माइनस हाफ कॉमा डॉट डॉट डॉट। तो ये एक कांस्टेंट सीरीज है और कांस्टेंट सीरीज ये हमेशा एपी होता है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ए टू माइनस ए वन करेंगे। तो ए टू माइनस ए वन, तो यहां पर ए टू कितना है माइनस हाफ, देन माइनस ए वन कितना है, देखिए ए वन है माइनस हाफ। सो नेक्स्ट देखिए यहां पर माइनस हाफ माइनस माइनस मिलकर यहां पर प्लस हाफ और माइनस हाफ प्लस हाफ क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट ए थ्री माइनस ए टू, ए थ्री माइनस ए टू, ए थ्री कितना है देखिए माइनस हाफ माइनस ए टू कितना है माइनस हाफ। तो यहां पर देखिए माइनस हाफ माइनस माइनस प्लस हाफ और माइनस हाफ प्लस हाफ करेंगे तो ये भी जीरो आ गया। तो अभी तक तो सही मारा है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे ए फोर माइनस ए थ्री करेंगे और ए फोर कितना है देखिए माइनस हाफ माइनस ए थ्री, ए थ्री मतलब माइनस हाफ इज इक्वल टू माइनस हाफ माइनस माइनस प्लस हाफ इज इक्वल टू जीरो। सो यहां पर देखिए सेम आ रहा है, दैट मीन्स ये नंबर्स क्या हो जाएगा, ये नंबर्स एपी हो जाएगा। सो डॉट 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 देखे हम लोग लिखेंगे दैट इज एके प्लस वन माइनस एके इज सेम एवरी टाइम, इज सेम एवरी टाइम, देयरफोर द गिवन numbers are in, therefore the given numbers are in AP, therefore common difference, therefore common difference, the common difference is denoted by D, और D का वैल्यू क्या है, D का वैल्यू है हम लोगों को मिला है जीरो। नेक्स्ट अभी हम लोग क्या करेंगे फिफ्थ टर्म सिक्स्थ टर्म और सेवेंथ टर्म निकालेंगे। तो फिफ्थ टर्म इज डिनोटेड बाई ए फाइव और ए फाइव क्या होता है ए प्लस फोर डी, दिस इज इक्वल टू ए मतलब कितना है देखिए माइनस हाफ प्लस फोर इंटू डी का वैल्यू कितना मिला है जीरो। सो यहां पर देखिए फोर इंटू जीरो, तो ये जो जीरो हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका माइनस हाफ। तो यहां पर देखिए फिफ्थ टर्म हम लोगों को मिला है माइनस हाफ और क्योंकि ये कॉन्स्टेंट सीरीज है हर एक टर्म में यहां पर माइनस हाफ मिल रहा है, दैट मीन सिक्स्थ टर्म भी क्या होगा, सिक्स्थ टर्म भी ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो ये भी आ जाएगा आपका माइनस हाफ। सेवेंथ टर्म इसी तरह कैलकुलेट करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा माइनस हाफ। तो ये हो गया आपका रोमन एट का कंप्लीट सॉल्यूशन। मेरे ख्याल से इसका सॉल्यूशन आप लोगों को यहां पर समझ में आया होगा। चलिए यहां पर हम लोग अभी रोमन नाइन का सॉल्यूशन शुरू करते हैं और इस वीडियो को पॉज करके आप यहां पर कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। चलिए यहां पर रोमन नाइन को देखते हैं। रोमन नाइन में देखिए दे रखा है देखिए वन कोमा थ्री कोमा नाइन कोमा ट्वेंटी सेवन कोमा डॉट डॉट डॉट। तो यहां पर हम लोग पहले क्या करेंगे ए टू माइनस ए वन करेंगे, ए टू माइनस ए वन मतलब थ्री माइनस वन और थ्री माइनस वन कितना मिला है टू मिला है। नेक्स्ट देखिए ए थ्री माइनस ए टू करेंगे और ए थ्री कितना है नाइन माइनस ए टू कितना है थ्री और नाइन माइनस थ्री कितना होगा सिक्स। तो यहां पर देखिए सेम नहीं हो रहा है, टू एक आ रहा है और दूसरा आ रहा है सिक्स, तो सेम नहीं हो रहा है, दैट मीन्स ये नंबर क्या होगा, ये नंबर एपी नहीं होगा। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे सिंस ए टू माइनस ए वन इज नॉट इक्वल टू ए थ्री माइनस ए टू, therefore the given numbers are not in AP। तो यहां पर इसका कंप्लीट सोल्यूशन हो गया। अभी यहां पर हम लोग रोमन नाइन का सोल्यूशन करते हैं। सो रोमन नाइन में हम लोग को यहां पर दे रखा है देखिए ए कोमा ट्वाइसे कोमा थ्राइसे कोमा फोरे कोमा डॉट डॉट डॉट। तो ये तो देखने में तो आराम से लग रहा है ये आपका एपी सीरीज है क्योंकि ए ए होके इंक्रीज होके जा रहा है, ए प्लस ए होके इंक्रीज होके जा रहा है, दैट मीन्स ये नंबर्स आराम से एपी हो जाएगा। फिर भी हम लोग यहां पर करके दिखाएंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे ए टू माइनस ए वन करेंगे, ए टू कितना है देखिए ट्वाइस ए माइनस ए वन कितना है ए, सो यहां पर ट्वाइस ए माइनस ए करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट ए थ्री माइनस ए टू, ए थ्री कितना है देखिए थ्राइस ए माइनस ए टू कितना है ट्वाइस ए और थ्राइस ए माइनस ट्वाइस ए करेंगे तो ये भी ए हो जाएगा। नेक्स्ट ए फोर माइनस ए थ्री, ए फोर माइनस ए थ्री मतलब फोर ए माइनस थ्राइस ए, तो ये भी आपका ए हो जाएगा। सो डॉट 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 दैट इज ए के प्लस वन माइनस ए के इज सेम एवरी टाइम दे आर फोर द गिवेन नंबर्स Therefore, the given numbers are in
एपी, देयरफॉर कॉमन डिफरेंस, देयरफॉर कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस डिनोटेड बाय डी, और डी का वैल्यू कितना आया है, ए आया है, तो कॉमन डिफरेंस हम लोगों को यहां पर मिल गया ए। अभी यहां पर हम लोग फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म और सेवेंथ टर्म कैलकुलेट करेंगे। तो फिफ्थ टर्म इज डिनोटेड बाय ए फाइव इज इक्वल टू, यहां पर देखिए ए ऑलरेडी सिंबल दे रखा है क्वेश्चन में, तो यहां पर हम लोग फर्स्ट टर्म को एक्स नहीं मानेंगे, तो यहां पर हम लोग फर्स्ट टर्म को ए नहीं मानेंगे, हम लोग एक्स मान लेते हैं। तो एक्स प्लस, एक्चुअली नॉर्मली फिफ्थ टर्म क्या होता है, ए प्लस 4D, तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, x प्लस 4D लिख लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी a यहां पर क्वेश्चन में यूज किया हुआ है। तो यहां पर x, x का वैल्यू कितना है a, प्लस 4 इंटू डी का वैल्यू कितना है मिला है a, सो फाइनली देखिए 4a मतलब 4 इंटू ए 4a, 4a प्लस a, तो यहां पर 5a हो गया। सो फिफ्थ टर्म हम लोग को मिल गया 5a, दैट मीन सिक्स्थ टर्म क्या होगा 6a, सेवेंथ टर्म क्या होगा 7a, तो यहां पर सिक्स्थ टर्म क्या आ जाएगा, सिक्स टर्म इसी तरह आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6a, सेवेंथ टर्म इसी तरह आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 7a, और यहां पर क्वेश्चन नंबर रोमन 9 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अभी यहां पर हम लोग रोमन 11 का सॉल्यूशन शुरू करते हैं, और अभी हम लोगों के पास फिर भी 5 क्वेश्चंस बाकी रह गया है, पांचों क्वेश्चंस को भी सॉल्यूशन करते हैं। चलिए यहां पर रोमन 11 का सॉल्यूशन शुरू करते हैं। रोमन 11 में हमें दे रखा है, देखिए रोमन 11 में क्या दे रखा है, ए कोमा स्क्वायर कोमा ए क्यूब कोमा एट द पावर 4 कोमा डॉट डॉट डॉट, तो ये हम लोगों के पास रोमन 11 में दे रखा है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ए टू माइनस ए वन करेंगे, तो ए टू माइनस ए वन दैट मीन्स स्क्वायर माइनस ए, तो यहां पर देखिए ए कॉमन ले लेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा ए माइनस वन रहेगा। नेक्स्ट देखिए ए थ्री माइनस ए टू, ए थ्री कितना है देखिए ए क्यूब माइनस ए टू, ए टू कितना है देखिए स्क्वायर। अब देखिए फ्रेंड्स यहां पर कॉमन क्या है, यहां पर हम लोगों के पास स्क्वायर कॉमन है, तो यहां पर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या रहेगा ए माइनस वन। तो देखिए यहां पर सेम नहीं हो रहा है, ये आया है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करने के बाद ए इंटू ए माइनस वन आया है, और थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करने के बाद ये आया है स्क्वायर इंटू ए माइनस वन, तो ये तो सेम नहीं है, दैट मीन्स ये नंबर क्या हो जाएगा, ये नंबर सबका एपी में नहीं होगा। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे सिंस ए टू माइनस ए वन इज नॉट इक्वल टू ए थ्री माइनस ए टू, देयरफॉर द गिवन नंबर्स आर नॉट इन एपी। चलिए यहां पर हम लोग यहां पर रोमन 12 का सॉल्यूशन शुरू करते हैं। रोमन 12 में देखिए दे रखा है, देखिए रूट टू कोमा रूट एट कोमा रूट 18 कोमा रूट 32 कोमा डॉट डॉट डॉट, तो ये हम लोगों को रोमन 12 में ये नंबर सीरीज दे रखा है, हम लोगों को यहां पर चेक करना है ये नंबर सीरीज एपी होगा या नहीं। चलिए यहां पर सॉल्यूशन शुरू करते हैं। पहले हम लोग यहां पर ए टू माइनस ए वन करेंगे, ए टू कितना है देखिए ए टू दे रखा है रूट 8 माइनस ए वन कितना है रूट 2, यहां पर देखिए रूट 8, रूट 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट 8 को हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू रूट ऑफ 4 इंटू 2, और 4 का रूट लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2, तो क्या हो जाएगा यहां पर 2 रूट 2 हो जाएगा, रूट 2 तो रूट का अंदर रहेगा और 4 का रूट ले लिया 2 हो जाएगा, सो रूट 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 रूट 2, तो यहां पर रूट 8 को हम लोग लिख लेंगे 2 रूट 2 माइनस रूट 2, सो 2 रूट 2 माइनस रूट 2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका रूट 2, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करने के बाद हम लोगों को मिला है रूट 2। अभी हम लोग क्या करेंगे, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करेंगे, थर्ड टर्म कितना है रूट 18 माइनस सेकंड टर्म कितना है रूट 8, आप यहां पर देखिए रूट 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 2, और 9 का रूट लेंगे तो 3 हो जाएगा और रूट के अंदर रहेगा आपका 2, सो रूट 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 रूट 2, सो 3 रूट 2 माइनस रूट 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 रूट 2, 2 रूट 2 तो 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका रूट 2, तो अभी तक तो सही मार रहा है। तो अभी हम लोग यहां पर क्या करेंगे, अभी हम लोग यहां पर ए फोर माइनस ए थ्री करेंगे, ए फोर माइनस ए थ्री, ए फोर कितना है देखिए ए फोर यहां पर दे रखा है रूट ओवर ऑफ 32 माइनस ए थ्री कितना है रूट ओवर ऑफ 18, अब यहां पर रूट ओवर ऑफ 32 देखिए रूट ओवर ऑफ 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 16 इंटू 2, 16 का रूट लेंगे 4 और 2 अंदर रहेगा तो रूट ओवर ऑफ 32 क्या हो जाएगा 4 रूट 2 हो गया, तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे 4 रूट 2 माइनस रूट 18 कितना मिला है रूट 18 मिला है हम लोगों को 3 रूट 2, तो 3 रूट 2
तो 4√2 − √2 करेंगे तो ये आ गया आपका रूट टू। तो यहां पर तो सही मारा है, तो यहां पर हम लोग डॉट 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 दे के लिख लेंगे, दैट इज एके प्लस वन माइनस एके इज सेम एवरी टाइम, इज सेम एवरी टाइम। देयरफोर द गिवन नंबर सीरीज इज एन एपी, देयरफोर कॉमन डिफरेंस एंड व्हिच इज डिनोटेड बाय डी, और डी कितना मिला है, कॉमन डिफरेंस कितना मिला है, रूट टू। तो अभी तक इतना तक तो हम लोगों ने कर लिया, अभी हम लोगों को यहां पर फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म और सेवेंथ टर्म भी निकालना है। तो यहां पर मैं इरेज कर लेता हूं, आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। मैं यहां पर फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म और सेवेंथ टर्म निकालने के लिए मेरे पास कोई स्पेस नहीं है, मैं यहां पर इरेज कर लेता हूं। चलिए यहां पर इरेज करके मैं यहां पर फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म और सेवेंथ टर्म का सॉल्यूशन करके आप लोगों को दिखा देता हूं। चलिए फिफ्थ टर्म इज डिनोटेड बाय a5, और a5 कितना है, a5 इज कैन बी रिटन एज a+4d। a कितना है, देखिए a है यहां पर रूट टू प्लस 4 × d, कितना मिला है, रूट टू। तो यहां पर हो गया आपका रूट टू प्लस 4√2, तो 4√2 + √2 क्या हो जाएगा, 5√2। अब यहां पर 5√2 को, 5 को अगर हम लोग रूट के अंदर लिखेंगे तो ये क्या लिखना पड़ेगा, 5² लिखना पड़ेगा। सो 5² × 2, 5² मतलब 25 × 2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 50। तो फिफ्थ टर्म हम लोगों को मिल गया रूट ओवर ऑफ 50। नेक्स्ट सिक्स्थ टर्म इज डिनोटेड बाय a6, और a6 कैन बी रिटन एज a+5d। कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू पुट करते हैं, a मतलब कितना है, देखिए √2 प्लस 5 × d, कितना है, √2, और 5√2 + √2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6√2। 6 को रूट ओवर के अंदर लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6² × 2, सो 6² मतलब 36, और 2 × 36 करेंगे ये हो जाएगा आपका 72। तो यहां पर सिक्स टर्म आ गया रूट ओवर ऑफ 72। नेक्स्ट सेवेंथ टर्म इज डिनोटेड बाय a7, और a7 कैन बी रिटन एज a+6d। a कितना है, देखिए a यहां पर है √2 प्लस 6 × d, कितना है, √2, तो 6√2 + √2 ये हो जाएगा आपका 7√2। तो 7 हम लोग रूट बार के अंदर लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7² × 2, 7² मतलब 49 × 2 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 98। तो यहां पर सेवेंथ टर्म मिल गया रूट ओवर 98, और यहां पर इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। और मेरे ख्याल से यहां पर रोमन 12 का सॉल्यूशन आप लोगों को यहां पर समझ में आया होगा। चलिए यहां पर हम लोग रोमन 13 का सॉल्यूशन करते हैं। तो यहां पर वीडियो को पॉज करके कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। रोमन 13 में यहां पर दे रखा है, देखिए √3, √6, √9, √12, ……। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, पहले a2 − a1 करेंगे। तो a2 − a1 मतलब √6 − √3। तो इसको तो हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, यहां पर हम लोग रख देते हैं। नेक्स्ट देखिए a3 − a2 करेंगे, दैट मीन्स यहां पर a3 कितना है, √9 − √6। तो ये तो सेम नहीं हो रहा है, दैट मीन्स यहां पर ये नंबर्स क्या हो जाएगा, ये नंबर्स ap में नहीं होगा। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे सिंस a3 − a2 इज नॉट इक्वल टू a2 − a1, देयरफोर द गिवन नंबर्स आर नॉट इन ap। तो ये हो गया आपका रोमन 13 का सोल्यूशन। तो अभी हम लोग यहां पर रोमन 14 का सोल्यूशन करते हैं। रोमन 14 में दे रखा है, देखिए 1² · 3² · 5² · 7² ……। तो यहां पर हम लोग चेक करते हैं। चलिए रोमन 14 में पहले यहां पर हम लोग 1² · 3² · 5² · 7² दे रखा है। तो यहां पर हम लोग पहले क्या करेंगे, a2 − a1 करेंगे। सो a2 मतलब कितना है, 3² − a1 कितना है, 1² हो जाएगा आपका 9 − 1² 1, और 9 − 1 = 8 हो गया। नेक्स्ट a3 − a2, a3 कितना है, देखिए 5² − a2 कितना है, 3² 5² = 25 − 3² = 9, और 25 − 9 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 16। तो यहां पर सेम नहीं हो रहा है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे सिंस a2 − a1 इज नॉट इक्वल टू a3 − a2,
अभी आप लिख लीजिएगा, देयर फोर द गिवन नंबर्स आर नॉट इन एपी, देयर फोर द गिवन नंबर्स आर नॉट इन एपी। तो ये हो गया आपका रोमन 14 का कंप्लीट सॉल्यूशन। रोमन 15 में यहां पर दे रखा है, देखिए 1 स्क्वायर कोमा 5 स्क्वायर कोमा 7 स्क्वायर कोमा 73 कोमा डॉट डॉट डॉट। तो यहां पर ये सीरीज एपी सीरीज है या नहीं हम लोगों को यहां पर चेक करना है। तो चलिए यहां पर रोमन 15 का सॉल्यूशन शुरू करते हैं। पहले यहां पर हम लोग ए2 माइनस ए1 कैलकुलेट करेंगे, और ए2 कितना है देखिए 5 स्क्वायर माइनस ए1 कितना है 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर मतलब 25 माइनस 1 स्क्वायर मतलब 1, और 25 माइनस 1 करेंगे यहां पर हो गया आपका 24। नेक्स्ट ए3 माइनस ए2, ए3 कितना है देखिए 7 स्क्वायर माइनस ए2 कितना है 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर मतलब 49, 5 स्क्वायर मतलब 25, और 49 माइनस 25 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 24। नेक्स्ट ए4 माइनस ए3, और ए4 कितना है देखिए 73 माइनस ए3 कितना है, ए3 है आपका 7 स्क्वायर, तो 73 माइनस 7 स्क्वायर मतलब 49। तो यहां पर आप 73 माइनस 49 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 24। तो यहां पर सही मारा है, तो यहां पर हम लोग डॉट डॉट देके लिखेंगे, दैट इज एके प्लस 1 माइनस एके इज सेम एवरी टाइम, इज सेम एवरी टाइम, देयरफोर द गिवन numbers are in AP, therefore common difference। तो पहले तो हम लोग common difference निकालेंगे, तो therefore common difference is denoted by D, and D का value कितना आया है, D का value आया है यहाँ पर 24। Next हम लोगों को यहाँ पर fifth term, sixth term और seventh term भी निकालना है। So यहाँ पर fifth term, तो पहले तो हम लोग यहाँ पर fifth term निकालते हैं। Fifth term is denoted by A5, और A5 can be written as A plus 4D, यहाँ पर corresponding value put करेंगे, A मतलब कितना है देखिए 1 square, तो 1 square plus 4 into D का value कितना है मिला है 24, so 4 into 24, next 1 square मतलब 1, और 4 into 24 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6, यहाँ पर 96 हो जाएगा, और 96 plus 1 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 97। next 6th term, sixth term is denoted by A6, और A6 can be written as A plus 5D, this is equal to A का value कितना है 1 square plus 5 into D का value कितना है 24, so 1 square मतलब 1, और 5 into 24 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 120, so next 120 plus 1 ये हो जाएगा आपका 121। next यहाँ पर seventh term, so seventh term is denoted by A7, और A7 can be written as A plus 6D, A का वैल्यू है आपका 1 स्क्वायर प्लस 6 इंटू डी मतलब 24, तो यहां पर 1 स्क्वायर मतलब 1, और 6 इंटू 24 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 144, और 144 प्लस 1 ये हो जाएगा आपका 145। तो यहां पर हम लोगों ने 15 क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी कंप्लीट कर लिया।